हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का नई वीडियो में वेलकम है। बट कैसे मेरे एडिटर फ्रेंड्स, आई होप आप एकदम मस्त होंगे, मस्त रहेंगे। बट दोस्तों, आज का इस वीडियो में सिखाऊंगा ये वाला एडिटिंग। तो दोस्तों, ऐसा एडिटिंग करने के लिए आपको कौन कौन सा इफेक्ट, कौन सा पीएनजी, कौन सा बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार क्रिएटिव एडिटिंग मिलती है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर हर फोटो एडिटिंग की अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों, देर किस बात थी, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो एडिट करने के लिए। टाइम स्टार्ट ना। तो दोस्तों, मैं लाइट रूम के अंदर आ गया अपने डीपी को लेकर। बट दोस्तों, मैं चलता हूँ कलर में। एंड कलर में जाने के बाद मिक्स में, एंड मिक्स में आने के बाद, एंड दोस्तों मैं आता हूँ ग्रीन कलर पर। इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, इसकी सेचुरेशन को डिक्रीज। एंड दोस्तों, आता हूँ येलो कलर पर, इसको भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, इसकी सेचुरेशन को डिक्रीज। एंड इसकी लुमिनस को भी थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैं आता हूँ इस वाले कलर पर, इसको भी मैं इंक्रीज़ कर दूंगा फुल। एंड इसकी सेचुरेशन को फुल इंक्रीज़ कर दूंगा, डिक्रीज़ कर दूंगा। एंड इसकी लुमिनस को भी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दूंगा। एंड अब आता हूँ येलो कलर पर, इसको थोड़ी सी हुई को इंक्रीज़ कर दूंगा, इसकी सेचुरेशन को थोड़ी सी डिक्रीज़। एंड इसकी लुमिनस को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूंगा दोस्तों। एंड दोस्तों, अब मैं कर दूंगा ऐसे डन। एंड डन करने के बाद अब मैं दोस्तों दोबारा से एक बार और मिक्स में आता हूँ। एंड इसकी लुमिनस को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूंगा ज़्यादा सी। एंड इसकी सेचुरेशन को भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर दूंगा। एंड इसको भी मैं डिक्रीज़ कर दूंगा इतना। एंड दोस्तों, मैं कर दूंगा राइट। एंड राइट करने के बाद अब मैं आता हूँ इस वाले ऑप्शन पर, इसकी थोड़ी सी टेक्सचर को डिक्रीज़ कर दूंगा। एंड इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज, एंड इसकी बिगनेट को इतनी डिक्रीज़ कर दूंगा। एंड दोस्तों, अब आता हूँ ब्राइटनेस पर। एंड ब्राइटनेस पाने के बाद इसकी थोड़ी सी कंट्रास्ट को यहाँ से भी इंक्रीज़ कर दूंगा, इसके हाईलाइट को भी थोड़ी सी इंक्रीज़, इसकी शैडोज को भी इंक्रीज़ कर दूंगा, इसकी वाइट्स को भी इंक्रीज़। एंड अब आता हूँ ब्लैक्स पर। ब्लैक्स पाने के बाद एंड देखिए दोस्तों, पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। बट दोस्तों, अब यहाँ से मैं शेयर के ऑप्शन पर जाकर इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। अब मैं चलूँगा पिक्सआर्ट के अंदर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ पिक्सआर्ट के अंदर अपने डीपी को लेकर, इस वाली कोई। एंड दोस्तों, मैं चलता हूँ ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों, मैं आता हूँ रिसेंट पर। रिसेंट आने के बाद अब नीचे आता हूँ थोड़ा सा। एंड नीचे आने के बाद यूसी डाउनलोड में आता हूँ। एंड यूसी डाउनलोड में आने के बाद दोस्तों, मैं आता हूँ नीचे। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों, वाला इमेज ले लूँगा। एंड इसको मैं अब चलता हूँ, मैं इसको ब्लेंड में जाकर स्क्रीन कर लूँगा। एंड इसको स्क्रीन करने के बाद इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँगा। एंड दोस्तों, मैं आता हूँ क्रॉप पर। क्रॉप आने के बाद दोस्तों, इसको भी मैं इधर से ऐसा कर दूंगा और इसको भी मैं इधर से ऐसा कर दूंगा। एंड इसको कर दूंगा सर राइट। एंड राइट करने के बाद एंड दोस्तों, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा। एंड इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं दोस्तों इसको इधर की साइड में खींच दूंगा। एंड इसको भी मैं इधर की साइड में खींच दूंगा, बहुत बढ़िया। एंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूंगा। एंड नीचे करने के बाद अब देखिए दोस्तों, मैंने अपने फोटो पे लगा दिया। दोस्तों, मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा। एंड इसकी ओपेसिटी कम करने के बाद दोस्तों, मैं अपने चेहरे पर से इसको इरेज कर लूंगा। एंड दोस्तों, मैं ऐसा कर दूंगा राइट। एंड राइट करने के बाद अब मैं आता हूँ दोबारा से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद दोस्तों, रिसेंट में आने के बाद अब आता हूँ मैं यूसी अपने डाउनलोड में। डाउनलोड में आने के बाद दोस्तों, मैं इसमें यह वाला मॉडल ले लूँगा। एंड इसको मॉडल को लेने के बाद पीएनजी। एंड दोस्तों, मैं इसको अपने चेहरे पर ऐसे रख दूंगा। एंड इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट रख लूँगा। एंड डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों, इसको मैं नीचे की साइड में रख दूंगा। एंड दोस्तों, इसको मैं एक बार और डुप्लीकेट कर लूँगा। एंड दोस्तों, देखिए कितना क्रिएटिव लग रहा है। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दूंगा, एंड इस वाले की भी। एंड दोस्तों, बीच वाले की भी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैं अपने चेहरे पर से इसको इरेज कर लूँगा। एंड दोस्तों, देखिए मेरा फोटो कितना क्रिएटिव लग रहा है। एंड दोस्तों, मैं आता हूँ ऐड फोटो में। ऐड फोटो माने के बाद दोस्तों, रिसेंट माने के बाद अब आता हूँ मैं पीएनजी पिक्सआर्ट में। पीएनजी पिक्सआर्ट माने के बाद दोस्तों, ऐड अपने लोगो सेट करूँगा। एंड इसको मैं ब्लेंड में जाके कर लूँगा स्क्रीन। एंड स्क्रीन करने के बाद इसको मैं ऐसा कर दूंगा। एंड ऐसा कर दूंगा राइट। एंड राइट करने के बाद अब दोस्तों, मैं फोटो में कुछ नहीं करना। मैं आता हूँ ड्रॉ पर। एंड ड्रॉ में आने के बाद तो दोस्तों, देखिए मेरा फोटो हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।